इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और समय हुआ है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसे लेकर आते हैं आपके साथ हम रोजाना सोमवार से शनिवार। और आज के अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं निरंकार, करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। देखिए हमारे किसान भाई बहुत सारी ऐसी फसलें उगाते हैं जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, लेकिन ऐसे किसान भाई हैं जो उन फसलों को भी शामिल कर रहे हैं जिनसे हमें रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। और उसमें कुछ ऐसी खास फसलें हैं जिनसे कई ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं और उनकी बाजार में मांग भी ज्यादा है। बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ निरंकार, क्योंकि इस वर्ष हम मना रहे हैं मोटा अनाज वर्ष और इस बार जो है सरकार भी और हमारे जो जितने भी किसान हैं वो सभी मोटे अनाज की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि हम सभी की थालियों में जो है वो पोषक तत्व ज्यादा बढ़ जाए और हम लोग ज्यादा अच्छा स्वस्थ जीवन बिता सकें। क्योंकि अगर हमें अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचना है तो वापस हमें मुड़कर जाना ही होगा मोटे अनाज की ओर। और कोमल, जो इन फसलों को उगाकर लाभ कमा रहे हैं ऐसे किसानों से हमने बातचीत की है, तो फसल के रंग किसान के संग कार्यक्रम हमारा आज होता है तो उसमें उन सभी के अनुभव जानते हैं ताकि हमारे दूसरे किसान भी उन अनुभवों का लाभ ले सके। तो चलिए आइए सुनवाते हैं अपने उन किसान मित्रों से बातचीत जिनसे की है हमारी सहयोगी संध्या गुप्ता ने बातचीत पोषक अनाज की खेती में रोजगार की संभावनाएं विषय पर। नमस्कार, मैं संध्या, फसल के रंग किसान के संग के एक नए अंक में आपका स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है पोषक अनाजों की खेती में रोजगार की संभावना। आइए इस विषय पर किसान मित्रों से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार दुबे है, गोला का निवासी हूँ और 2018 से जो है मैं किसानों के बीच में कार्य करना प्रारंभ किया मैंने। उसके पश्चात मैंने FPO का गठन किया, जय ऊर्जा बोर्ड की सहायता से सभी किसानों को जागरूक कर रहा हूँ और किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा हूँ। प्रारंभ में मैंने कुछ किसानों को लगवाया था लेमन ग्रास, क्योंकि बाढ़ आ जाने के नाते जो है वो फसल खराब हो जा रही थी, इसलिए अब उनको ऐसी फसलें जो इस समय जिनकी मांग भी है और समय की मांग है और संजोग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय लघु धान्य वर्ष जो घोषित करा दिया है उसके तहत सावा, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, काला गेहूं और काला चावल का हमने उनके लिए उनको प्रेरित किया है खेती करने के लिए। अब चूंकि किसानों को लग रहा है कि नहीं, हम जिस चीज की मांग है और वो बाजार में हमारा बिक सकता है तो फिर हम उसका ही उत्पादन करें, उसकी ही फसल लें, और इसलिए जो है किसानों में उत्साह है। लगभग 50 एकड़ में सावा, कोदो, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा जो भी लघु धान्य है इनको उगाने के लिए वो बिल्कुल उत्सुक है और अब की बार 50 एकड़ में ये लघु धान्य की खेती की जाएगी। देखिए यहाँ पे जो भी सावा है, कोदो है, मड़ुआ है और मक्का और इधर गेहूं के साथ गेहूं के सीजन में जौ, ये अनाजों की पैदावार तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हो रही थी, बहुत कम मात्रा में। जैसे कोई बहुत शौकीन है तो उन्होंने 2 कट्ठा लगा दिया, लेकिन अब जो बाजार की मांग आ रही है उसको देखते हुए लोगों को फिर जलवायु के अनुसार सावा, कोदो, मड़ुआ ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, ज्वार बाजरा भी हो सकता है, उसमें भी जो है अब की बार ज्वार बाजरा की खेती की जाएगी। तो हमको लगता है कि जितने भी लघु धान्य हैं वो सभी ये अब की बार उसकी खेती होगी और यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है वो इस धान्य के लिए अच्छा है। देखिए ऐसा है कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज के शरण में जाना ही पड़ेगा और आजकल सभी लोग जो है वो
हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, इसलिए मोटे अनाज का व्यापार बाजार बहुत अच्छा हो सकता है और किसान इस बात से ही उत्साहित हैं। और भविष्य में इसकी बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे हम अच्छी प्रोसेसिंग करते हैं आधुनिक समय के हिसाब से बिस्किट बन सकते हैं, रागी का बिस्किट हो सकता है, सावा कोदो का भी बिस्किट बन सकते हैं, ज्वार बाजरा की खिचड़ी बन सकती है, सावा कोदो का जो है वो खीर बहुत अच्छा बनता है। ये बहुत तरह की रेसिपी जो है इसकी, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है इसमें रेसिपी के लिए जो है सहयोग कर रही है, उनकी तरफ से भी जो है कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि जिसमें वो रेसिपी को बताएंगे किसानों को कि ये चीजें बन सकती हैं। भविष्य का जो मार्केट है, हम आधुनिक रूप में इसको कर सकते हैं, सावा कोदो के चावल का जो है इडली बन सकता है, डोसा बन सकता है, मतलब जो भी चावल और गेहूं के आटे का उपयोग जिन जिन चीजों में कर सकते थे उन सभी नए खाद्य पदार्थों में भोजन में हम इनका उपयोग कर सकते, इसलिए एक बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है। ये निश्चित रूप से भविष्य में जो है ये एक अच्छी मार्केट बन जाएगी इन सब चीजों की, और सभी लोग जो है कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए संभावनाएं इसकी बहुत ही विशाल है। लघु धान्य या मोटा अनाज जो बहुत ही पोषण करने वाला है, उससे लोगों की हेल्थ भी सुधरेगी और किसानों की वेल्थ भी सुधरेगी। विदेश में जापान में कोदो वगैरह की बहुत मांग है, महिलाएं जो है वो इसमें पूरा पूरा उनका सहयोग होता है। सावा का जैसे छिलका उतारना हुआ तो जो अपनी पारंपरिक पद्धति है उसके द्वारा वो छिलका उतारना हो गया, सफाई करना हो गया, फिर छोटी छोटी आजकल मशीनें आ रही हैं पीसने के लिए जिसमें हीट नहीं होता है, उसके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, तो वो सब जो है महिलाओं का जो समूह है उसमें पूरा पूरा सहयोग कर रहा है। पैकिंग वगैरह भी उनके माध्यम से हो जा रही है, इससे महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है और किसानों की भी आय बढ़ रही है। एक कार्यक्रम हुआ था मिलेट के लिए, जोनल संगोष्ठी हुई थी और उस संगोष्ठी में सभी लोगों को भोजन कराया, और सबसे मजे की बात यह है कि उसमें ज्वार की खिचड़ी थी, बाजरे का जो है उसका भून करके उसका लड्डू बनाया गया था, उसके साथ साथ जो है खीर भी बनी थी सावा की। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत से लोगों ने पसंद किया और वहाँ स्टॉल भी लगा था, और उसका प्रभाव ये हुआ कि सभी लोगों ने जब भोजन कर लिया, स्वाद उसका उनको अच्छा लगा, उसके बाद लगभग 25 किलो सावा और 25 किलो कोदो वहाँ पे रखा गया था, सब बिक गया मुश्किल से आधे घंटे के अंदर। और उन्होंने सभी लोगों ने बीज की भी मांग की कि हम भी बोएंगे अगली बार। और इसके अलावा जो है हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं, उनका भी एक कार्यक्रम था और उन्होंने भी जो है उसमें सावा की खीर, लगभग 12,000 आदमियों का कार्यक्रम था वहाँ पे उन्होंने कराया। हमारे सीडीओ महोदय के सहयोग से यहाँ पे विकास भवन में एक अभी यूपी दिवस के अवसर पे 3 दिन स्टॉल लगा, उसमें महिला समूह भी आए हुए थे और मिलेट्स का भी जो है स्टॉल लगा हुआ था। तो इस तरीके से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं और जो खाना चाहते हैं वो भी प्रोत्साहित हो रहे हैं कि अपने हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है वो मोटे अनाजों को अपना करके अपनी जागरूकता जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आय का जो साधन होता है समाज में, मार्केट में, वो मांग और आपूर्ति पे आधारित होता है। आज समय की मांग है कि हम फिर पुरानी चीजों पे अपने लौट रहे हैं जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें थी, और इसमें उनकी लागत भी कम आती है, समय भी कम लगता है। 70 दिन 80 दिन की फसलें हैं, मैक्सिमम 90 दिन तक की फसलें हैं, उसके बाद जो है वो फसलों को बढ़ा करके भी अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। ये जो चीजें पैदा कर रहे हैं उसकी बाजार में अच्छी मांग है और मूल्य भी अच्छा मिल रहा है, और घर की जो भी महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें बढ़ाने में उनका योगदान किसानों का रहेगा, और निश्चित रूप से भविष्य इसका बहुत अच्छा है और किसानों का भी भविष्य जो है बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जिसमें भविष्य अच्छा दिखे उस कार्य करने में ही हम लोगों की भलाई है। समय के हिसाब से जो है हमको भी कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। जो ये वर्ष है उसमें सरकारी मशीनरी का भी पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उस प्रोत्साहन का फायदा उठाते हुए हमको भी अपनी आय को बढ़ाना चाहिए और मिलेट का उत्पादन करना चाहिए। राजेश जी, फसल के रंग किसान के संघ के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशम्भर दयाल वर्मा, मैं प्रगतिशील किसान हूँ, ग्राम पोस्ट खैरा कंकु विकासखंड त्रिवेदीगंज जनपद बाराबंकी का निवासी हूँ। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, कोदो, सावा, रागी इत्यादि आते हैं। हमारे क्षेत्र में मक्का होता है, कोदो होता है, तो हमारे अधिकारी लोग हैं गोष्ठी लगा करके बताते हैं मोटे अनाज के विषय में, तो अब दोबारा सब बुआई करने की तैयारी कर रहे हैं। अब काफी जो बीज है वो गायब हो गए हैं, सरकार को उनकी व्यवस्था कराना पड़ेगा, तब हमारे कृषक बुआई करेंगे।
और हमारा जो 80% लोग पढ़ा लिखा है वो सब जान चुके हैं कि मोटे अनाज के क्या क्या फायदे हैं। जब से धान गेहूं एक चीज पर लोग निर्धारित हो गए हैं तब से जो है बीमारियों का निमंत्रण हो गया है। प्राकृतिक अनाज है, इनमें पानी भी कम लगता है, खाद भी कम लगती है, समय भी कम लगता है और बहुत पोषण होता है इनमें, पोषक तत्व इसमें बहुत होते हैं। पहले हमारे सब लोग थे, पहले इतने अस्पताल इतनी दवाइयां कहाँ थी, सब हमारे लोग ऐसे ही तो जीते थे, यही मोटा अनाज खाते थे और बढ़िया अच्छे भले सब रहते थे। जी देखिए, मोटे अनाज से काफी व्यंजन तैयार होते हैं, जैसे पेड़ा है, लड्डू है और चिप्स वगैरह बनते हैं और तमाम से दलिया बनती है, सत्तू बनता है, ये सब चीजें इससे बनती है। तो इनकी जब लोग पिसाई करेंगे कुछ लोग उनको रोजगार मिलेगा, कुछ पैकिंग करेंगे उनको रोजगार मिलेगा, कुछ मालवाहक होंगे जो अपना माल ले जाएंगे इधर से उधर तो मालवाहकों को फायदा मिलेगा, कुछ लोग और जो उसमें बिचौलिए होते हैं जो उसमें काम करेंगे उनको भी फायदा मिलेगा। तो इस तरह से काफी लोगों को इसमें रोजगार मिल जाएगा, किसान को तो रोजगार मिलेगा ही लेकिन इसके अलावा भी काफी लोग इसमें रोजगार पाएंगे, माल में रखा जाएगा, तमाम लोग माल में इससे जो है अपना रोजगार पाएंगे। तो इस तरह से काफी रोजगार लोगों को मुहैया हो जाएगा। इसके लिए तो सरकार प्रोसेसिंग के लिए जो है सरकार की सब योजनाएं हैं, सरकार पैसा भी देगी, अनुदान भी देगी, तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। मक्का वगैरह पर अनुदान आया करता है, मिलता है मोटे अनाज पर, और हमारे जो है कृषि विज्ञान केंद्र से भी कुछ मोटे अनाज वितरित होते हैं। तो कार्यक्रम सरकार द्वारा चल रहा है, बढ़ावा देने की जरूरत है, ज्यादा गोष्ठी और मीटिंग वीटिंग लगा करके किसानों को कायदे से जागरूक किया जाए, अभी जागरूकता की और जरूरत है। जो पुराने लोग हैं उनको तो जानकारी है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने की सरकार को जरूरत है। इसको काफी लोग जो है पसंद करने लगे हैं, महिलाएं अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके उसे अपने नए नए व्यंजन तैयार करें और अपने सप्लाई करें दुकानों पर, घर बैठे का रोजगार मिल जाएगा उनको। छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार पैसा भी देती है, चाहे छोटे उद्योग लगाओ चाहे बड़े उद्योग लगाओ, चाहे स्वयं सहायता समूह बना करके अपना काम करे, गांव की महिलाएं हैं, शहर की महिलाएं हैं, तो इस तरह से कोई समिति गठन करके कर सकती हैं, साझा में कर सकती हैं, अकेले भी कर सकती हैं, इससे उनको रोजगार मिल जाएगा। विदेशों में मोटे अनाज की बहुत बड़ी मांग है और वो भारत से अपेक्षा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको भारत से जो है मोटा अनाज मिल जाएगा। जो हमारे कृषक समझ जाए इस बात को, मोटा अनाज पैदा करने लगेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा देश का जो माल है ये जब विदेशों को जाने लगेगा तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। कि मोटा अनाज अब महंगे रेट पर भी बिक रहा है, हमारे यहाँ जो कोदो होता है वो 100 रुपया किलो बिक गया है, कम पानी कम खर्चा और कम खाद में 100 रुपया किलो जो बिक जाए उससे कितना बड़ा फायदा है। तो जो हमारा जो अपने घर का मोटा अनाज है अगर ये खिलाया जाए तो दूध तो बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगी और जानवर हमारा टूटेगा नहीं। कि जब मधुमक्खी फूल के समय बैठती है मोटे अनाज पर, जैसे ज्वार है, मक्का है, इन पर बैठती है, तो वो इनसे अपना शहद भी लेती है और पोलन भी इसमें मिलता है। पोलन मिलता है तो उससे मधुमक्खी का जीवन चलता है। इधर किसान की जो पैदावार है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। बीकी पर लोग काफी फायदामंद हो जाते हैं इससे। भाई हम तो अपने सभी कृषक बंधुओं से यही कहना चाह रहे हैं, गुजारिश करना चाह रहे हैं, अपील करना चाह रहे हैं, सभी कृषक हमारे जो है मोटे अनाज की खेती करें, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, मालवाहक है उनको भी रोजगार मिलेगा, गाड़ी मालिकों को भी रोजगार मिलेगा, इस तरह से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा और बी कीपरों को रोजगार मिलेगा, काफी लोग जो खेती से दूर है उनको अच्छा अच्छा अनाज मिलेगा। सभी भाइयों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सारे लोग जो है हमारे लोग मोटे अनाज की तरफ मुड़ जाएं और सब लोग मोटे अनाज की खेती जल्दी से जल्दी करना प्रारंभ कर दें। बिशंबर दयाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ मैं संध्या, फसल के रंग किसान के संग का ये अंक यहीं संपन्न करती हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत पोषक अनाज की खेती में रोजगार की संभावनाएं विषय पर हमारे किसान मित्रों से संध्या गुप्ता की बातचीत। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज के जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और कोमल, जो हमने किसानों के अनुभव सुने, हमें उम्मीद है कि जो हमारे दूसरे किसान मित्र हैं वो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, और जब उनको अच्छी आमदनी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो उनको गीत संगीत भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो चलिए, गीत संगीत की बात की है तो अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये लोकगीत। दुपट्टा मेरा
100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कोमल, हम बात करते हैं बार बार कि हमारे किसान मित्र जो हैं जब खेती कर रहे हैं तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करें जी, और उसमें कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से न केवल उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है फसल उत्पाद की, बल्कि उनको आमदनी भी ज्यादा मिलती है। और अगर हम बात करें प्रोटेक्टिंग कल्टीवेशन की, तो जो हम उगाते हैं कोई भी फसल नेट के अंदर, शेड नेट जब बनाते हैं, एक बार तो खर्चा जरूर आता है उसमें, लेकिन हम देखते हैं कि उसके जो उत्पाद हमें मिलते हैं वो अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। जैसे कि बेल में सफेद मक्खी बहुत ज्यादा लगती है, जब आप नेट के अंदर उसको उगाते हैं फसल के बजाय में, तो उसके अंदर मक्खी नहीं घुस पाती है, जो रोग वाहक का भी काम करती है, रोग नहीं होते हैं, फसल आपकी स्वस्थ होती है। जमीन बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है तो कम जगह में वो कुछ ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिनसे कि ज्यादा लाभ मिल सकता है आप उसमें। जैसे कि अब अगर थोड़ी जमीन है, अगर खीरा लगाएंगे और वो भी वर्टिकल रूप में लगाएंगे तो क्षेत्र उसके अंदर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि थोड़ी जमीन वाले किसानों ने ऐसे फूल उगाए हैं जो हमारे यहाँ की जलवायु में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, लेकिन वहां पर उनको उसी तरह के एटमोस्फेयर दे करके उस तरह के फूलों को उगाया है। अमेरिका में जहाँ बहुत ही सर्दी होती है, उन फूलों को यहाँ पर उगाया है उसमें ऐसी कंडीशन दे करके। और आपने देखा है कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मैं जिक्र करूं तो MIDH स्कीम है, पूरे भारत में लागू है, दिल्ली में भी लागू है। आप उनसे, भारत सरकार ने सीधे सीधे किसानों को सब्सिडी दी जाती है इसके तहत, जब आप अगर नेट हाउस बनाते हैं या हाइब्रिड सीड उगाते हैं, तो इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आप जो भी जिस राज्य में रहते हैं वहां के उद्यान विभाग में संपर्क कर सकते हैं, आपको सीधी सीधी भारत सरकार की तरफ से वहां पर सब्सिडी मिल जाएगी और आपकी जो कृषि है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आप उत्पादन ले पाएंगे। इसमें ये भी फायदा है कि जो आप प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन जब आप करते हैं तो ऐसी सैपलिंग तैयार कर सकते हैं जो कि आगे आने वाले समय में आपके काम आएगी। और यहाँ इतना भी कर सकते हैं कि दूसरे किसानों के लिए पहले से ही पौध तैयार करके मौसम से पहले आप तैयार कर लेंगे। आप जानते हैं कि हर बीज के उगने के लिए खास तापक्रम की आवश्यकता होती है अभी आने वाले समय में। अब कोमल देखिए, आजकल सर्दी थोड़ा चेंज होकर के अब गर्मी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से गर्मी नहीं आई है। अभी आने वाले समय में जो जायद की फसलें हैं, बेल वाली फसलें हैं, लौकी है, घिया, तोरी, कद्दू, इन सबको हमारे किसान भाई उगाएंगे। आप देखिए, जब वो मार्च में जाकर बीज लगाएंगे तो एक महीने बाद उनको फल मिलेंगे आगे चल करके। तो अगर जो पौध जमता है बीज, उस समय को अगर आप घटा दें तो अगेती फसल के रूप में आपका उत्पाद मार्केट में आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जब अगेती कोई चीज आती है तो उसके दाम भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो बेमौसम भी आप इसके अंदर फल सब्जियों को उगा सकते हैं, फूलों को उगा सकते हैं। और जहां तक इसके खर्चे की बात है, तो बहुत तरह के नेट हाउस बनते हैं, कुछ तो नेचुरल है जिसमें बाहर से कुछ भी करना नहीं पड़ता है, उसका एक हिस्सा खोल देते हैं, सीधी धूप और हवा आती है, जब बंद कर देते हैं तो हवा अंदर नहीं आती है। दूसरे हैं जिनके अंदर कूलर सिस्टम लगा होता है, हीटिंग सिस्टम लगा होता है, तापक्रम नापने के लिए भी मीटर लगा होता है। एक और नई तकनीक आई है हाइड्रोपोनिक की, हाइड्रोपोनिक के अंदर आप पानी के अंदर ही कुछ फसलों को उगा सकते हैं और उसमें बेल वाली तो बहुत ही कामयाब है, कुछ फूलों को आप उसमें उगा सकते हैं। उसमें पाइप के अंदर से आप मोस के साथ मिला करके किसी सैपलिंग को लगा देते हैं और पानी के माध्यम से ही उसे पोषक तत्व देते हैं, जिससे कि पानी के अंदर ही फसल उग जाती है। तो ये कुछ नई तकनीक हैं जिनकी जानकारी लेकर के आपको भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की योजनाएं जो है हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में अपने सुनने वालों के लिए लेकर आते ही रहते हैं।
फिलहाल कार्यक्रम किसान की बात से मुझे यानी कोमल भारती और मुझे निरंकार को दीजिए आज्ञा। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।